नेक्स्ट जो मोमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फिराजी मोमेंट। जो फिराजी मोमेंट है इसे कहा जाता है फराइदी मोमेंट भी कहा जाता है। फिराजी मोमेंट को ही फराइदी मोमेंट कहा जाता है क्योंकि जो इनका एम्फेसिस था वो इस्लामिक पिलर्स ऑफ फेथ पर था, ठीक है, इस कारण इसको फराइदी मोमेंट कहा जाता है। और जो ये मोमेंट है फिराजी मोमेंट, इसको हरी शरियतुल्ला के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1818 में। किसके द्वारा? हजी शरियतुल्ला के द्वारा, कब? 1818 में। इट्स सीन ऑफ एक्शन वाज ईस्ट बंगाल। और जो इनका एक तरह से एक्शन था जहाँ पर, जिस जगह पर, जहाँ पर एक अपना काम कर रहे थे, वो था ईस्ट बंगाल में। एंड एम्ड एट द इरेडिकेशन ऑफ सोशल इनोवेशन। और इनका एम था कि जो सोशल इनोवेशन्स हो रहे हैं और अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस जो इस्लाम में आ रहे हैं उनका इरेडिकेशन, मतलब उन्हें ख़त्म करना उन प्रैक्टिसेस को। अमंग द मुस्लिम्स ऑफ द रीजन एंड ड्रॉ देयर अटेंशन टू द ड्यूटीज एज मुस्लिम्स। और जो उनके एरिया में, मतलब ईस्ट बंगाल में जो ये प्रथाएं चल रही थी अन इस्लामिक, उनको ख़त्म करना। और ये चाहते थे कि मुस्लिम्स का अटेंशन अपनी ड्यूटीज़ की तरफ हो। अंडर द लीडरशिप ऑफ हजीज सन दुदू मियाँ, तो जो हजीज के सन होते हैं दुदू मियाँ, द मूवमेंट बिकम रिवोल्यूशनरी फ्रॉम 1840 ऑनवर्ड्स। तो जो हाजी के सन होते हैं दुदू मियाँ, उनके मूवमेंट, मतलब उनके अंडर जो ये मूवमेंट होता है वो रिवोल्यूशनरी फॉर्म धारण कर लेता है 1840s में और उसके बाद के समय में। ही गेव द मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम फ्रॉम द विलेज टू द प्रोविंशियल लेवल विद अ खलीफा और ऑथराइज डिप्टी एट एवरी लेवल। तो जो है ये क्या करते हैं इनके लीडर, मूवमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम देते हैं विलेज टू प्रोविंशियल लेवल, विलेज से लेकर प्रोविंशियल लेवल तक, और विद अ खलीफा और ऑथराइज डिप्टी। इनका मतलब एक हेड जो है इनको नियुक्त करते हैं या फिर ऑथराइज डिप्टी नियुक्त करते हैं एट एवरी लेवल। फराइदीज ऑर्गेनाइज अ पैरामिलिट्री फोर्सेज आर्म्ड विद क्लब्स टू फाइट द जमींदार्स हु वर मोस्टली हिंदूज। तो फराइदीज अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज की तरह जो आर्म्ड होते थे और ये फाइट करते थे किसके अगेंस्ट, जमींदार्स के अगेंस्ट जो कि मोस्टली हिंदूज होते थे। दो देवर सम मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स टू, हालांकि यहाँ पर कुछ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स भी थे बिसाइड्स द इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो प्लांटर्स को छोड़कर। तो जो दुदू मियाँ होते हैं ये आस्क्ड हिज फॉलोअर्स नॉट टू पे रेंट, इन्होंने अपने फॉलोअर्स को कहा कि आप रेंट ना दीजिए। द ऑर्गेनाइजेशन इवन एस्टेब्लिश इट्स ओन लॉ कोर्ट्स। इस ऑर्गेनाइजेशन ने, फराजीज जो मूवमेंट चला था, इन्होंने क्या किया, अपने लॉ कोर्ट्स भी बनाए हैं। दुदू मियाँ वॉज अरेस्टेड सेवरल टाइम्स, इनको बहुत बार अरेस्ट किया गया। हिज अरेस्ट इन 1847 फाइनली वीकन्ड द मूवमेंट। 1847 में पर जो इनका अरेस्ट होता है उससे मूवमेंट वीक हो जाता है। द मूवमेंट सर्वाइव मेयरली एज अ रिलीजियस मूवमेंट विदाउट पॉलिटिकल ओवरटोन्स आफ्टर द डेथ ऑफ दुदू मियाँ इन 1862। और जैसे 1847 में उनके अरेस्ट के बाद ये मूवमेंट वीक हो गया था, उसके बाद बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट जो थे पॉलिटिकल ओवरटोन के बिना वो चलते रहे। पर जो दुदू मियाँ की डेथ है 1862 में जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये सिर्फ एक रिलीजियस मूवमेंट रह जाता है, ठीक है, ना ही इनका कोई पॉलिटिकल ओवरटोन नहीं रहता। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे अहमदिया मूवमेंट।